यार खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 26 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है और आज सरसों बाजार तो कुछ सुधरा है, लेकिन जो नरमा कपास के अंदर गिरावट आई है वो बहुत बड़ी गिरावट है। इससे ज्यादा गिरावट मैंने एक दिन में नहीं देखी। और जो इसमें क्या कारण रहे हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज शुरुआत करते हैं कॉटन से। नरमा कपास में आज 500 रुपए से लेकर के और 700 रुपए तक की प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई है। चाहे वो गुजरात की मंडियां हो, चाहे वो हरियाणा पंजाब की मंडियां हो, राजस्थान की मंडियां हो, या और कहीं देश भर में कोई भी कॉटन की मंडी हो, वहां इतनी बड़ी गिरावट आई है। इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण जानने के लिए मैंने कई विशेषज्ञों से आज बात की और ये इस निष्कर्ष पे निकले सभी लोग कि जो MCX है, जो वायदा बाजार चलाता है कॉटन का, उसमें जनवरी का जो वायदा है वो अब दर्ज नहीं होगा, यानी वो स्क्रीन पर दर्शाया नहीं जाएगा, यानी जनवरी के लिए कोई कारोबार नहीं होगा। इसलिए उसका जो हिसाब किताब होता है, जो लेन देन होता है, उसको चुकता करने के लिए आज जो बिकवाली अचानक बढ़ी वायदा के अंदर, उससे गिरावट आई और उसी का असर है ये कि इस चारों तरफ बाजार मंदा दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल की। कहते हैं कि कॉटन में इस बार उत्पादन 344 लाख काट होगा, 3,44,00,000 काट। ये CIA और दूसरी एजेंसियां और दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट लोग इस बात को मानते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं, लेकिन मुझे अपना जो मेरा अनुमान है, जो मैंने चारों तरफ घूम करके देखा है या जितना मैंने अध्ययन किया है, उससे मुझे लगता है कि ऐसा उत्पादन दिखाई नहीं दे रहा है। केवल देखिए महाराष्ट्र में और गुजरात में ही जो आपके हैं, दैनिक आपके हैं, वो कुछ ठीक ठाक है, यानी 40,000 गांठों के आसपास गुजरात की आवक हो रही है और 20,000 गांठों के आसपास महाराष्ट्र की आवक हो रही है। ये दोनों राज्य देश के बहुत बड़े उत्पादक राज्य माने जाते हैं। अकेला गुजरात इतना बड़ा कपास का उत्पादक एरिया है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों को मिला दें तो भी गुजरात से कम पड़ता है, और गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र में भी जो आपके हैं कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन अब जो अन्य राज्यों में चल रही है उससे काफ़ी कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है, और जो अन्य राज्य हैं उनके अंदर भी आपके नहीं हैं। आपके नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि फसल में पोल है। हरियाणा में फसल में पोल आपको दिखाई दे जाएगी कुछ दिन के बाद, पंजाब में सबके सामने आ चुकी है, और कमोबेश यही स्थिति दूसरे कई राज्यों के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो लबोलवाब ये है कि 3,44,00,000 का आंकड़ा मुझे लगता नहीं है। पिछले साल जो क्रॉप आई थी वो आई थी 3,07,00,000 के आसपास, और मुझे लगता है कि इस बार भी लगभग उतना ही मामला बैठना चाहिए। कॉटन इंडस्ट्री यानी कॉटन से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, चाहे वो जिनिंग है, चाहे वो स्पिनिंग है, चाहे वो ऑयल मिल्स हैं, सब के सब खाली बैठे हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है, या तो काम नहीं है या है तो 24 घंटे में से 8 घंटे मिल चलती है, एक सेशन में चलती है, और इसी तरह से जो दूसरे कारोबारी हैं वो भी, उनके पास भी इतना काम नहीं है क्योंकि कॉटन की अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए लगता है कि दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको में थोड़ा सुधार एक बार दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा कुछ आगे चल के, लेकिन फिर उसके बाद फिर आपको का प्रेशर घटेगा, दबाव घटेगा और भाव ठीक होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मेरा अनुमान है, आप इसको लोहे पर लकीर मत मान लीजिए। आप अपना जो कारोबार करते हैं या अपना जो नरमा बेचना है या खरीदना है, जो भी करना है, तो वो अपने आसपास की मंडियों का हालचाल पूछ के, अपने जानकारों से, अपने सलाहकारों से राय लेकर के ज़रूर करें। बात कर लेते हैं थोड़ी सी सरसों की। तो सरसों का बाजार मैं पिछले एक महीने से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि सरसों के अंदर तेजी नहीं है। सरसों में अब इससे आगे और बाजार सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाजार वहीं 6,500 से 7,000 के बीच में जयपुर का कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6,600 रुपये से लेकर के 7,000 के बीच, 7,000 एक आधी बार गया, बीच में वापिस आ गया,
अब वही 6700, 6725, 6750, 6775 इसी के आसपास बाजार घूम रहा है। 6300-6400 का कारोबार भरतपुर की मंडी में दिखाई दे रहा है। इसलिए चाहे आप ये कह सकते हैं कि सरसों का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, लेकिन एरिया बढ़ने से, बिजाई का एरिया बढ़ने से लगता नहीं है कि उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया है। बिजाई के बाद लंबे समय तक तापमान काफी ऊंचा रहा है। अब पिछले 3-4 दिन से तापमान में गिरावट आई है, अच्छी गिरावट आई है। ये फसल के लिए लाभदायक होगा, गेहूं के लिए भी लाभदायक होगा, दूसरी फसलों के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों का जो बाजार है, अब इससे और अधिक तेजी की संभावना नहीं है। थोड़ी सी तेल की मांग निकलती है, बाजार थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, तेल की मांग घटती है, बाजार वापस नीचे आ जाता है। आज जयपुर सरसों तेल के भाव में 7 रुपये प्रति 10 किलो की थोड़ी सी तेजी दर्ज हुई, और बाजार कच्ची घानी का जो भाव है वो 1375 रुपये तक पहुंच गया, और इसी से ही भाव 25-50 रुपये सरसों का सुधर गया। सुबह 6372 रुपये खुला आपका भरतपुर मंडी, और थोड़ी देर के बाद में यानी अब शाम के समय 6400 रुपये के आसपास भाव बोला जाने लगा है, कुछ सुधरा है। सलोनी का भाव भी आज 50 रुपये के करीब बढ़ा था, लेकिन एक स्टेशन पर कोटा पर आज शाम को फिर 25 रुपये बाजार डाउन हो गया है। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार यहीं स्टेबल रहने की उम्मीद है फिलहाल इस सप्ताह, और आज भाव जो है वो इस प्रकार रहे। भरतपुर 6372 रुपये सुबह खुला, अब भाव 6400 रुपये है। जयपुर 6775 रुपये, कल से 50 रुपये सुधार है। दिल्ली 6600 रुपये, चरखी दादरी 6550, सलोनी 7175 रुपये से लेकर के 7325 रुपये तक, खैरथल 8450, खेरली मंडी 6400, ग्वालियर 6200, हिंडौन 6451, मेड़ता 6200, बीकानेर 5700, सुमेरपुर 6415, अलवर 6500, नडबई 6372, विसनगर गुजरात 6000 रुपये, धौलपुर 6525, आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा है 6391 रुपये, सिरसा में 6070 रुपये, करणपुर में 6220 रुपये, गंगानगर में 6060 रुपये, और एलनाबाद में 6151 रुपये। नरमा आज आदमपुर में बिका है 8050 रुपये, अबोर में 7900, सिरसा में 7800, हनुमानगढ़ में 8000, रावतसर में 8050, भट्टू में 7890, बरवाला में 7700, करणपुर में 8041, गंगानगर में 8001 और एलनाबाद में 8050। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।